जैसा मैं सोच के आया था कि बर्फ ऐसी चाहिए, जम्मू कश्मीर वाली बर्फ चाहिए जिसमें मैं कूदू तो अंदर घुस जाऊं अंदर, वो सारी चीजें मुझे मिला तो वर्थ इट लगा पूरा यहाँ पे आना। और ऐसा तो ये आ गए हैं शिशु के पार्किंग में हम, और पार्किंग में काफी ज्यादा भीड़ है। देखो हमने स्कूटी यही खड़ी की है, दूर दूर तक कोई नहीं है। इधर ही बर्फ के पहाड़, अब देखो जिप लाइन वगैरह से उधर जाएंगे। और ये देखो अंकित अभी चाय पी रहा है, मैं चाय पी रहा हूँ बर्फ में ठंडी करके, बर्फ पे अभी खड़े हम। लेकिन ये वाली बर्फ जो है ना बहुत ज्यादा वो हो गई है, हार्ड हो गई है। क्या अंकित? ये हार्ड हो गई है, हार्ड इस वजह से हो गई है, लोग यहाँ पे चल चल के जा रहे हैं ना, और जिस पे लोग चले नहीं है वो भुरभुरी है। ये देखो, तो ये दोस्तों अब ये रहे बर्फ के पहाड़ और ये रही गर्मा गर्म चाय। चाय का आनंद लेते हुए, चाय का आनंद ले रहे हम शिशु में। हालत खराब हो गई, सर्दी जुकाम से खराब है, हाथ में ही सबसे ज्यादा ठंड लग रहा, बाकी कहीं नहीं। देखो ये छाते से खोद खोद कर हमने बर्फ को भुरभुरी बनाया है अभी, ताकि हम इसको अभी उड़ा सकते हैं। और ये देखो धूप देखो कितनी ज्यादा हो रही है, हाथ सुन हो गए खोदते खोदते यहाँ पे। और ये धूप तो इतनी ज्यादा हो रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली से हमें आके यहाँ बसना पड़ेगा। भाई लोग ये शिशु के अंदर हम आ गए फ्रोजन लेक पे। देखो ये पूरी लेक फ्रोजन है और अभी इस पे जाना अलाउ नहीं है। वैसे कुछ दिन पहले तो था, अभी क्या पता किसी वजह से अलाउ नहीं है, पता नहीं। चलते चलते तुम कहीं अंदर घुस जाओ, तो थोड़ा सा इस पे घूमते हैं, उसके बाद फिर उस पार चलते हैं। तो ये अब रेडी है हम जिप लाइन के लिए, जिप लाइन क्रॉस करके जाएंगे। 500 अप डाउन दोनों रहेगा। ये अंकित यहाँ पे देखो रेडी हो रहा है, यहाँ पे अभी हम रेडी है जाने के लिए। ये देखो रेडी, छाता फेंक दूंगा बीच में, छाता बीच में फेंकेगा नहीं यार। तो रेडी है भाई लोग, तू फ्रंट ऑन कर, मैं बैक ऑन। रेडी है ये, ऑन रख दे, ऑन कर दो है। अरे मेरी वाली स्पीड हो गई, गोल गोल घूमने लगी, मैं क्या करूं। तो आगे देखो इस पार वहां से, अब देखो वापस जाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। फिलहाल आ गए हम इस पार, अब चलते हैं ऊपर। ये देखो यहाँ पे जो बर्फ है वो मजेदार है। तो भाई अब आ गए हम लोग शिशु क्रॉस करके, और क्रॉस करने के बाद जो भाई जन्नत है, जन्नत मजा आ गया। 500 रुपया लगा हमारे जिप लाइन का पर पर्सन के हिसाब से, वर्थ इट लगा हमें देना, कोई बात नहीं भाई। उधर बर्फ ही नहीं मिल रही थी उतनी ज्यादा, ये देखो बर्फ। अब हम जा रहे हैं लास्ट पीछे, ये देखो ये स्लाइड कर रहे लोग मजेदार, वो अब बर्फ पहाड़ के पास में मजे करेंगे यहाँ। तो क्रॉस करके जरूर आना इस तरफ। ये देखो भाई आगे हम लास्ट पॉइंट तक, यहाँ जिप लाइन ने हमें उतार दिया था उधर, ये आगे हम आगे। और इस तरीके से अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जूते जो स्लिप खा रहे ना, इस टाइप के जूते और इधर जूते जो है ये मत लेना, बाहर में मिल रहे जूते ले लेना। हमने सोचे कि उतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भुरभुरे हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा थोड़ा ऊपर ट्रैक करें, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। और ये जो बर्फ है ना एकदम भुरभुरी वाली बर्फ है, और आराम आराम से अंदर डाल डाल के पैर आओ ताकि बच्चे रहोगे। ये थोड़ा सा ऊपर हटाओगे ना, ये अंदर में जो मिल रहा ना, ये मजे हैं ये।
दोबारा जानम देख लो मिट गई दूरिया कहां। एक और बार दोस्तों, अब आ गए हम पूरे टॉप पे। यहाँ से ये देखो पूरा ऊपर तक खाली हो गया। अब इसके आगे जाना चाहे तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा खतरा भी है। अब यहाँ ऊपर है, यहाँ पे धूप नहीं आ रही, लेकिन उधर देखो कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है वहाँ पे। तो यहाँ बैठो और यहाँ से पूरी तरीके से स्लाइड करते जाओ। हाँ, ये तो वो वाली बर्फ है ना, इस वजह से मज़ा आ गया। मतलब अभी तक का मतलब जितने भी ट्रैक, मैंने 8-10-15 बार तो मैं घूमने गया हूँ कहीं पर ट्रैकिंग वाली जगह पर, और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है वो इसी ट्रैक में आया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से सुकून वाली ट्रैक थी। अभी हम सबसे बड़ा डर हमें ये था कि अगर हम शिशु आते हैं तो शिशु में हमें बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, जो मतलब जिस तरीके से वीडियोस वगैरह हमने देखे थे, तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, हमें शांति वाली जगह नहीं मिलेगी। फिर भी हम इतने हरामी कि थोड़ी बहुत शांति जगह हमने खोज ली, यहाँ कोई नहीं है अभी, पूरा आगे से पीछे और नीचे नीचे तक ऊपर से कोई नहीं है। तो हम आराम से यहाँ बैठ के और पूरे तरीके से पहाड़ों का इन्जॉयमेंट ले रहे हैं। और अभी तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक ये है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और ज़्यादा हम लोग भी नहीं है। अगर लोग रहते तो फिर भी दोस्त रहते तो मज़ा आता, लेकिन अब लग रहा है कि फैमिली के साथ भी घूमने आना पड़ेगा। एक बार मैंने देख ली, दूसरी बार अब बुला के लाएंगे उन्हें। लेकिन इतनी ऊपर भी देखो गंदगी, देखो तो मैं दिखाता हूँ एक ऊपर, यहाँ बॉटल दिख रही होगी, देखो देखो बॉटल कहाँ रखी है। तो दोस्तों अभी हम वहाँ उस पर क्रॉस करके वहाँ गए थे और अभी नीचे आ गए हैं जस्ट। काफ़ी ज़्यादा अब उस तरफ, एक तरफ तो आ गए थे, अब उस तरफ जा रहे हैं। अब चलेंगे उस तरफ ट्रैक करने थोड़ा। तो ये अभी हम ऊपर थे, वहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन ये देखो, ये जो फील आ रही है ना, ये जम्मू कश्मीर से कम वाली फील नहीं है। शिशु में सही बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। और ये देखो, ये पैर, वाह यार मज़ा आ गया। बाबू एक फोटो ले लो। ये देखो भाई, उधर से होते हुए अभी हम इधर जा रहे हैं, और अभी इधर सिर्फ फुट स्टेप से, बाकी कोई गया नहीं है। ये देखो दोस्त इधर से जा रहा, इधर हम धूप में जा रहे, थोड़ा सा फोटो वगैरह अच्छी आई है ना। पता भी नहीं कि पानी कब अंदर घुस जाए, यहाँ नदी वगैरह सब है। ये देखो जूते कितने घुस रहे हैं। मतलब आज तक की मेरी बेस्ट ट्रिप मैं मानता हूँ भाई, ये है मेरी। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, एक बर्फ का पहाड़ है और आगे भी ट्रैकिंग है, और पीछे दूर दूर तक तुम्हें कोई नज़र नहीं आएगा। मैं और मेरा दोस्त है, और शिशु से भी काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे रोपवे वगैरह वहाँ से काफ़ी हम आगे आ गए थे ट्रैकिंग करते हुए। यहाँ पे हमारे अलावा कोई नहीं है। ये जो फील करना था ना मुझे, जैसा मैं सोच के आया था कि बर्फ़ ऐसी चाहिए, जम्मू कश्मीर वाली बर्फ़ चाहिए जिसमें मैं कूदूँ तो अंदर घुस जाऊँ अंदर, वो सारी चीज़ें मुझे मिला, तो वर्थ इट लगा पूरा यहाँ पे आना। और ऐसा लग रहा अंकित कि हर साल में एक बार आना यहाँ पे ज़रूरी है। दोस्तों के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, किसी के साथ जाओ, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों। और अब मेरा यहाँ से कोकसर जाने का मन था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैक कर लिया ना और बर्फ़ देख लिया, अब मेरा लग रहा कोकसर में भी जाके सेम चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से कोकसर की जगह हम शिशु पूरा अभी थोड़ी देर और रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, इन्जॉय करेंगे और मूवमेंट को देखेंगे, फील करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से अटल टनल क्रॉस करते हुए होटल निकलेंगे। फिर कल की कल देखी जाएगी आगे। और काफ़ी खुशी हो रही यार, मतलब एक्सप्रेस करना थोड़ा, मतलब ये पहला टाइम था मेरा जहाँ पे मैंने बर्फ़ देखी है। और ये देख सकते हो कोई नहीं है यहाँ पे, दूर दूर तक देखो कोई नहीं है। तो अंकित और मैं दोनों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। थोड़ी ठंड अच्छा वाले मजे आ रहे हैं। और जितना भी ठंड के ड्रामे हो रहे ना, कुछ नहीं है, ठंड गई पहाड़ में। ये देखो नॉर्मली अंदर डाल रखा है मैंने, ऊपर शर्ट में हूँ। और इस बोरा है कि इससे ज्यादा ठंड तो दिल्ली में लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड, इससे दुगनी ठंड। इतनी बर्फ और इतनी अंदर आके फिर भी नॉर्मल ठंड, सिंपल कैप भी नहीं पहनी, कुछ नहीं हुआ इसे। तो अब इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, देखते हैं अगर आगे कुछ सीन होगा तो आपको सीन दिखाएंगे, बाकी आप मजे करो।
ये देखो दोस्तों वीडियो के चक्कर में, और गाइस क्या हाल है, पूरा नंगा होकर यहाँ पे खड़ा होकर, मतलब पैंट पहनी थी इसने, ऊपर का पूरा शर्टलेस होकर, जैकेट वैकेट हमने निकाल के, हाथ भी कांप रहे वीडियो के अंदर में, तब जाके बनाया यहाँ पे। ऐसा लग रहा ना कि हिमालय की ट्रैकिंग करने के लिए एकदम मस्त बनाया हुआ है। और उधर से लोग जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो इधर जिप लाइन के थ्रू नहीं आ रहे, तो उधर से इंजॉय कर ले रहे, लेकिन बर्फ़ नहीं है, देख लो बिल्कुल इधर में चारों तरफ बर्फ़ है। और अब हम चलते हैं वापस, 3 बजने वाला है तो वापस निकलना है। तो अब हम सिसु से अपने होटल की तरफ वापस लौट रहे हैं, और ये जो सामने आप दृश्य देख रहे हो ना, इसे मैं कभी अपने लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। मैंने ब्लॉगिंग वगैरह इसी की वजह से शुरू किया था कि जो मोमेंट मेरे लाइफ के कैप्चर हो रहे हैं ना, हम देखो अपनी आंखों से जो देखते हैं उसे तो हम यादगार बनाते ही हैं, लेकिन इनको जब कैमरे में कैद कर लेते हैं ना, वो हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए कैद हो जाता है कि हम फ्यूचर में भी अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम गए थे, ये जो पहाड़ होते हैं ना बर्फ़ के, ये मेरा मतलब सबसे बड़ा मेरा ड्रीम था कि इसको एक बार सामने से देखूं, वहाँ पे जो स्नो के अंदर में, बर्फ़ के अंदर में जब जाऊं, तो वो जो ड्रीम्स होता है ना, वो मेरा वहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ। और यहाँ जाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। मनाली में आपको भी पता है कि 25 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह की वीडियोज़ वगैरह आ रही थी, मेरे कई सारे दोस्तों ने प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं जाएंगे, बाद में देखा जाएगा जब होगा। तो मैंने बोला नहीं, जाना है तो जाना है, दिसंबर में कैसे भी करके कंप्लीट करना है। और भगवान ने चाहा, महादेव ने चाहा, तो मैं वहाँ गया भी और अपने दोस्त के साथ काफ़ी इन्जॉय किया। लेकिन ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था 2023 के अंदर में, जब मैंने ये कंप्लीट किया अपना ड्रीम। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि नहीं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। अगर अपने लाइफ में मैं स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे अपना पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो हमने देखा जाम है, कोई बात नहीं, एक दिन जाम में फंसेंगे, लेकिन हम घूम कर आएंगे तो आएंगे, हमें उस चीज़ को इन्जॉय करना अपने इस टाइम को। अगर मन दिल अंदर से कर रहा है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँगा तो जाऊँगा। तो बस वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपका मन कह रहा है कि आप निकल जाओ तो निकल जाओ, चाहे दोस्त मना कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तुम्हें अगर मन कर रहा है कि मुझे बाहर देखना है, अभी इंडिया में ट्रैवल करना है कहीं भी किसी भी जगह पर, तो अब निकल जाओ। तुम्हारे जो भी तुम्हारे पास बचे कुछ जितने भी पैसे हैं ना, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए पैसा कम लगता है, तुम्हारा जो अंदर से जो निश्चय होता है ना, दृढ़ निश्चय कि किसी चीज़ को देखना है, तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट था, मैंने अपना ड्रीम कम्प्लीट किया 2023 के अंदर में जाकर। आप भी अपना ड्रीम कम्प्लीट कर सकते हो, जो भी आपका ड्रीम है, ये जिस डेस्टिनेशन पर जाने का ड्रीम है।